चार था दो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र मैं हूं सुनील और दोस्तों आज जो वीडियो है वो है ममंगम की मेकिंग वीडियो जिस पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं और ये हमें हमारे दोस्तों ने सजेशन में भेजा हुआ था कि आप इसकी मेकिंग वीडियो भी ज़रूर देखें और बहुत ही बढ़िया है वो तो देखते हैं कैसे बनी है ये फिल्म भाई हाथी ओ भाई साहब ओ भाई कैसे कैसे बनाया है भाई कितने बड़े बड़े बनाए हैं यार सात महीने लगे इसको बनाने में सिचुएशन ऐसी बनाई हुई है यानी बिल्कुल ओल्ड लुक दिया भाई बना के वो ओरिजिनल पूरा भाई ये छप्पर बनाने में हालत खराब हो जाती है भाई ये अंदर का महल का अंदर का सीन वाह भाई पेंटिंग वेंटिंग सब भाई साहब एक तो भाई अल्टीमेट था ये तो लास्ट होके चलना ये तो यार लोकेशन ही ऐसी है ना यार घोड़े को ट्रेन करना भाई बहुत बड़ी चीज होती है चार नौ एक चार था दो यार लड़के से बहुत मेहनत है लड़के ने भी यार भाई मम्मूटी पता कितने साल का है 68 ईयर के हैं ये 68 ईयर में ऐसा करना भाई कोई कह सकता है कि ये 68 ईयर के पर्सन है बिल्कुल भी नहीं भाई 68 ईयर में खुद को इतना मैनेज करके रखना मेंटेन करके रखना भाई मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी बात है और ऊपर से ऐसी एक्टिंग करना वो भी इतने स्टंट करना यानी पूरी इसके लिए मेहनत करना और यार इस दोनों ने मतलब काफी मेहनत की है सात महीने उसको बनाने में सेटअप बनाने में लग गए हैं यार यानी हिस्ट्री क्रिएट करना यानी हिस्ट्री में कैसा सीन था क्या सिचुएशन थी वैसे बनाना यार सबसे बड़ी चीज यही होती है मतलब हिस्ट्री आपको पता तो है नहीं देखी तो है नहीं आपने वो इमेजिनेशन मतलब बनाना ऐसे होगा ऐसी सिचुएशंस होगी
ऐसे दिए जल रहे हैं या कुछ ऐसा, लोकेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ दिखाना, उसके बाद आपकी मेहनत सबसे बड़ी मेहनत ये होती है जब एक्टिंग कर रहे होते हो, मेन चीज़ क्या होती है कि आप देखो करंट चीज़ें कर सकते हो, फ्यूचर में थोड़ा टेक्नोलॉजी को कर सकते हो, लेकिन जब आप ओल्ड चीज़ों को डिस्क्राइब करने जाते हैं ना, तो ओल्ड चीज़ें डिस्क्राइब करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमें पता ही नहीं कि हमने तो देखी ही नहीं। हालांकि चलो ममूती जी ने देखा होगा कि 68 ईयर के ओल्ड हैं, तो कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद के टाइम पर उन्होंने अपने बचपन से देखना शुरू कर लिया होगा, तो लेकिन ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। आजकल ये डिजिटल लाइफ है, सारी चीज़ें कैमरे में कैद हो रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं आजकल की चीज़ों को देख पाते हो, पर हिस्ट्री की चीज़ें कहीं भी सेव नहीं है, वो सिर्फ किताबों में और हमारी इमेजिनेशन में। और सबसे मेन चीज़ ये भी है कि इतना टाइम इसको बहुत 7 महीने यार किसी एक प्रोजेक्ट पे देना बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपको डेली वही चीज़ें मैनेज करनी है, वो सारी चीज़ें करनी है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है ये चीज़ करना। और जो इसमें छोटा सा जो बच्चा है, मतलब उसने जो उस भाई किया है रोल, तो उस बच्चे को सिखाने में कितना टाइम लगा होगा इनको, मतलब उससे, और वो स्टंट्स करवाना, जो इनका वेपन है उसके साथ, किसी ने हमें कमेंट में बताया था कि उसको तलवार नहीं बोलते, कुछ और वेपन का नाम कुछ और है, जो थोड़ा सा सॉफ्ट सा वेपन है कुछ। और एक चीज और है कि यार मैं तो कहूँगा जो सेट पे जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने पेंटिंग बनाई, मूर्तियां बनाई है, बहुत मेहनत करी है यार, और साथ के साथ जो विजुअल्स लेने के लिए कैमरामैन है यार, उनकी बहुत मेहनत है, बहुत, क्योंकि जो यानी एक सिचुएशन ऐसे मैनेज करना ऊपर से नीचे से बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आपके सामने तलवारें चल रही हैं और आपने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो भाई कुछ भी हो सकता है। और फिर विजुअल्स बिल्कुल यानी बैलेंसिंग के साथ और सारी चीजें करना, क्योंकि यार पता लगे कल को पैर स्किट हुआ या कुछ लगा, कुछ भी हो सकता है, कैमरामैन की लाइफ बहुत मुश्किल होती है मैं कहता हूँ। और काफी मतलब स्टंट्स है इसमें, मतलब जो हमने ट्रेलर देखा उसके उसमें, मतलब ये फिल्म पूरी एक्शन से भरपूर है, तो काफ़ी मेहनत लगी है इस फिल्म को मतलब बनाने में। तो 68 ईयर में जिस हिसाब से घुड़सवारी दिखाते हैं इनकी यार, वो भी बहुत बहुत मुश्किल है। तो बाकी जो हमारे साउथ के फ्रेंड्स हैं वो तो इसके फैन हैं ही हैं, साथ के साथ हमारे जो नॉर्थ वाला रीजन है वो भी काफी साउथ फिल्मों के फैन है। और सबसे मेन चीज क्या है, ये जो मूवी बन रही है ना जो आने वाली है अभी 21 नवंबर को, ये रियल लाइफ पे बेस है, रियल स्टोरी पे बेस है। तो हम होप करते हैं कि आपको ये मतलब जो मूवी है बहुत अच्छी लगेगी, और इसकी जो मेकिंग वीडियो ये भी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पता लगा होगा कि मूवी बनाने के पीछे कितना मतलब एफर्ट लगता है, मेहनत होती है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप इसकी मूवी देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो भी ज़रूर बताएं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले, और वीडियो को लाइक कर दें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो और भी लोग देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।